लखनऊ से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आरक्षण के मामले पर आज फिर सुनवाई होगी, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दाखिल की गई है। चुनाव की अधिसूचना पर रोक अभी जारी है और आज सरकार अपना पक्ष रखेगी आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि कल भी सुनवाई हुई थी जिसमें सरकार ने एक दिन का वक्त मांगा था, तो सरकार अपनी तरफ से आज पक्ष रखने जा रही है आरक्षण के मामले पर, और उसी के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। शुभम हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। शुभम, लखनऊ बेंच के अंदर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर आज सुनवाई होनी है, कितने बजे होगी और सरकार अपना आज पक्ष भी रखेगी? जी देखिए, आज सरकार इस पूरे मामले को लेकर के अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी और लखनऊ हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है आज इसमें जो है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो सरकार का पक्ष रखेंगे। बीते दिनों आरक्षण में इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि जो प्रक्रिया है उसको पूरा ना किया जाने को लेकर के याचिका पड़ी थी, जिसके जवाब में आज अब सरकार अपना पक्ष रखेगी। और आज पक्ष रखने के बाद ये भी लगभग तमाम सोर्सेस कह रहे हैं कि जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान भी जल्द से जल्द होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर के पहले भी अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव बेहतर तरीके से किया जाए, इसको लेकर के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश हैं। तो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो, तो ऐसे में आज जब कोर्ट में सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी तो निश्चित तौर पर प्रयास यही होगा कि जो भी खामियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करके और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष व बेहतर तरीके से चुनाव कराया जा सके। शुभम, बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावों की घोषणा हो सकती है, तो इस बारे में क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई होगी और अगर कोर्ट ने रास्ता साफ किया तो उसके बाद मान लिया जाए कि जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपना कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी तो उसके बाद से लगभग स्थिति साफ हो जाएगी और आशंकाएं यही हैं और सरकार की कार्यशैली भी यही संकेत कर रही है कि जनवरी के पहले व दूसरे हफ्ते में चुनावों की शुरुआत हो सकती है। नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, उस दौरान ही चुनाव होंगे, क्योंकि लगातार जो इससे संबंधित तमाम उत्तर प्रदेश के शासन के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। कल भी नगर विकास तमाम अधिकारियों व नगर आयुक्त व उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से तैयारी रखें। उसके साथ साथ जिलों में भी अधिकारियों की, पुलिस कर्मियों की, उत्तर प्रदेश पुलिस की और जिलों की पुलिस की अपनी मीटिंग चल रही है तैयारियों को लेकर के। तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी के पहले बिल्कुल प्रशासनिक अमले ने चुनाव की तैयारी कर ली है। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जनवरी के आसपास आपको बता दें कि चुनाव हो सकते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।